दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीसी सफर में गाइज मेरे पास एक मेल आई छोटी सी रिलेटेड टू द फ्रेशर थे कि सर थोड़ा बिजी हो गया जिस वजह से मुझे थोड़ा टाइम से रिलेटेड सेलेटेटेड डिस्टर्ब हुआ जिस वजह से मैं पंद्रह तीस सितंबर के बाद से ही मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाऊंगा तो क्या मैं प्रिपरेशन से रिलेटेड या यूपीएसी से प्रेम से रिलेटेड या मेन से रिलेटेड मैं एग्जाम दे पाऊंगा और दे पाऊंगा तो क्या मैं क्रैक कर पाऊंगा इसके थिंग्स काफी सारी मेल्स में थी पर तो मुझे लगा कि इस पर एक छोटी सी वीडियो बन सकती है ताकि जो फ्रेशर्स हैं स्पेशली जो आगे दो हजार अठारह में सोच रहे हैं कि बैटल देने के लिए तैयार हैं तो डेफिनेटली मुझे लगा कि इस पे वीडियो बन सकती है देखिए मैं जैसे आप लोगों को यहाँ पे यही बोलूंगा कि अभी तक आप लेट नहीं हुए हैं गाइज जैसे मत सोचेगा कि बिल्कुल लेट हो गया देखिए ऐसा भी कुछ नहीं है यहाँ पे ऐसे एस्पिरेंट ऐसे ऐसे भी हैं जो पांच मिनट प्रिपरेशन के अंदर मात्र एटलीस्ट प्रेम्स तो क्रैक करते हैं मेन्स तो लिख ही देते हैं और ऐसे ऐसे भी एस्पिरेंट्स हैं जो पांच महीने में प्रिंस भी क्रैक कर देते हैं फिर से तीन महीना और लेके जो टाइम मिलता है मेन से रिलेटेड तो उसमें फिर मेन्स भी क्रैक कर देते हैं तो इस डिपेंड ऑन योर सिचुएशन आपके हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क और डिसिप्लिन के ऊपर होता है पूरा पूरा फंडा तो ऐसा मत सोचिएगा नेगेटिव बिल्कुल मत सोचिए कि नहीं इस मेरा दो बेकार हो जाएगा मैं दो से के बारे में सोचा तो ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है कुछ टॉपिक्स है एनसीआई अगर आप स्टार्ट भी करते हैं चीजें समझ नहीं आ रही बोरिंग लग रहा है तो कहीं दाएं बाएं से देखिए यूट्यूब से भी दुनिया भर की वीडियोस हैं या फिर गूगल सर्च कीजिए अगर कोई टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे लाइक सपोज जोग्रफी में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आए हिस्ट्री में से भी थोड़ा सा बहुत कुछ हो सकता है आपको ट्रॉल करना पड़े हल्का फुल्का तो, तो ये मदद लीजिए फ्री की चीजें हैं और डेफिनेटली हैं तो आज के समय तो मल्टी छाया हुआ है तो इन चीज़ों की जितनी ज्यादा हेल्प लें ज्यादा अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि इंटरनेट से दूर रहे तो ऐसा कुछ नहीं है यार इंटरनेट के बगैर तो सच बता यूपीएससी काफी मुश्किल हो जाता है अगर बात करें तो सेट टू तो सेट ये बोले देखिए जो दो यानी पंद्रह सितंबर थर्टी सितंबर के बाद प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे जस्ट उनको ये छोटा सा सिंपल सा एक मैसेज है देखिए फोकस मोर ऑन ऑप्शन सब्जेक्ट्स बिकॉज ऑप्शन एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपकी पकड़ जितनी अच्छी होगी ना आपको अपना ऑप्शन सब्जेक्ट को सिक्योर करके चलना है मेक सिक्योर ध्यान रखिए देखिए ऑप्शनल आपका रैंकिंग में इवन दैट आपका कट ऑफ में बहुत एक अहम प्ले जो की रोल रखता है बिकॉज मैथ्स की बात करें तीन सौ छप्पन मार्क्स पांच सौ में से आ चुके हैं दो हजार सोलह के टॉपर्स ने जो ये मार्क्स निकाले हैं और ये आप ओल्ड एंड जाए पॉपुलर जूस के आगे ही कुछ दो चार कोचिंग सेंटर्स हैं उसमें आपको बड़े बड़े बोर्ड्स में दिख जाएगा तीन सौ छप्पन मार्क्स इसके बंदे के आए हैं तो जब यहाँ से जब मैथ्स में जब तीन सौ छप्पन ले सकते हैं तो डेफिनेटली जिस एस्पिरेंट का ज्योग्राफी है पी एस आई आर है पबी है हिंदी है तो ट्राई टू हिट मैक्सिमम अपने ऑप्शन को इतना मजबूत बना दो कहीं से कुछ भी आए आपका जो क्वेश्चन है बेकार नहीं होना चाहिए आपको लिख के आना है और क्वालिटी वाइज लिख के आना है तो यानी कि आपको सबसे पहले अभी प्रिपरेशन जब कर रहे हैं तो एक दो से ढाई से तीन घंटे तो एवरी डे ऑप्शन पर ज्यादा फोकस करें जिन्होंने ऑप्शन बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया कंफ्यूज है ऑप्शन से हम कैसे करेंगे तो एवरी डे देना ही पड़ेगा अगर आप ये सोचने की कहानी तो कहानी रुक जाएगी ऑप्शन तो पर लेना चलेगा करना पड़ेगा जिसको हिंदी में कहते हैं नैतिकता ये अगर आप क्रीम पार्ट पांच प्लस ढाई और एक ऐसे अगर ऐसे भी आप वीकली अगर वन ऐसे भी लिखते हैं कोई नहीं गलत लिखो कोई इश्यू नहीं है टीचर से चेक कराओ दस बार लिखोगे सौ बार गलत लिखो पर एक बार लिखना स्टार्ट करोगे हाउ फ्रेम फ्रेमिंग कैसे होती है ऐसे की उसको यूट्यूब पर बहुत सारी विडियो बनाई बनी हुई है बंदा आप उसको देखें ज्यादा बेस्ट रहेगा और इन पे तीन चीजों पे ऑप्शनल एथिक्स और ऐसे पे अगर जितनी ज्यादा पकड़ हो जाएगी ना डेफिनेटली आपके चांसेस बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएंगे तो गाइज इसीलिए इसी, इसी जस्ट ये बोलूंगा कि देखिए जब ये कर लेंगे तो डेफिनेटली चांसेस हो जाएंगे मेंस में क्रैक करने के और फिर इंटरव्यू के लिए आप डेफिनेटली एलिजिबल हो जाएंगे रिलेटेड ये बोलूंगा कि देखिए कोई भी सेक्शंस लें अगर जो मैंने सारे सारे जो सेक्शन बताए इनमें से कोई भी आप पांच एक्शन कर लें आपके हिसाब से करंट अफेयर को करना ही करना है अगर जो एक्सपेन्ट सितंबर से लगे हुए हैं तो देखिए मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक का जो भी आपको करंट अफेयर मिलता है मैं तो प्रेफर करूंगा विजन या इन से मंथली करंट अफेयर कोई भी आप ले ये दोनों बेस्ट है इसके समय और तो बाकी आप जो भी लगाना चाहते हैं आपने तरफ से देखें बट मेरी तरफ से रिकमेंडेड ये कि मैं विजन और इन सिलेक्टेड रिलेटेड मैं आपको बोलूंगी इन दोनों में से कोई भी करेंट तो इनको आप करें बुक्स मैंने सब कुछ बता रखा ऑलरेडी क्योंकि एक ओपन पेज मैंने बना रखा है यहाँ पे मैं किसी मार्केटिंग करने नहीं बैठा जो जो फैक्ट है उन्हीं चीज को मैं आगे रखता हूं इनको करें दिन रात आप मेहनत करें डेफिनेटली सफलता आपको जरूर मिलेगी तो कैसे ये छोटी सी वीडियो थी तो थैंक यू थैंक यू फॉर माइ वीडियो